बिलबिन के बीसलपुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल, कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा से विधायक हैं। आज हम उनसे वार्ता करेंगे क्योंकि आप बिलबिन में कार्यक्रम में है, वहाँ पर शिरकत कर रही हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता भी की गई है। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों की विपक्ष की क्या तैयारियाँ रहेंगी? विपक्ष की तैयारी ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, और सबसे अहम ये है कि आप वादा करके आए थे कि हर हाथ में काम है, वो काम कहाँ है? वो रोजगार कहाँ है? और जातिवार जनगणना के नाम पर आप बैकफुट पे क्यों आते हैं? यदि आप सब समाज का विकास चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, तो जातिवार जनगणना करा के ये सुनिश्चित कर दें कि जिस समाज की है जितनी संख्या भारी, उसकी सदन, नौकरी, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कमाई सब में होगी उतनी संख्या, और जितनी भारी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी। तो इस बात पर आप बैकफुट पर क्यों आते हैं, इस बात का जवाब। महंगाई और बेरोजगारी की बात की जाए तो आप लंबे समय से इसको इस मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पर क्या कार्य करेंगे अगर आते हैं तो? देखिए, मुद्दा हम बना नहीं रहे हैं, ये मुद्दा है, क्योंकि अगर हमारी जेब में कमाई नहीं होगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो हमारे हाथ में रोजगार नहीं होगा। जिनके पास रोजगार है, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास पढ़ाई है, वो भी लखनऊ जाके अगर रोजगार मांगते हैं तो लाठी खा के आते हैं। तो जिनके पास शिक्षा नहीं होगी, जिनके पास डिग्री नहीं होगी, उनका भविष्य क्या होगा, इस सरकार को सोचना होगा। अगर आप ये वादा करके आए थे कि हम रोजगार देंगे, आप ये वादा करके आए थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, आप ये वादा करके आए थे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, आप ये वादा करके आए थे कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो इन तमाम सवालों पे हम आपको मिलेंगे और आपको जवाब देंगे। अंतिम सवाल है हमारा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती भारतीय जनता पार्टी में खूब धूमधाम से मना रही है, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है किसके नाम से कितना वोट बैंक उनको अपने खाते में डालना, और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से आज पहली बार नहीं, 2014 से वो मलाई काटने का काम कर रहे हैं। तो आज जब हमको मौका मिला है तो हम ये कह रहे हैं, गृहमंत्री जी लखनऊ आए हैं और वहाँ पर जो भी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के उस कार्यक्रम में गए हैं, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, वो खड़े होकर गृहमंत्री से पूछ लें कि आप पिछड़े दलितों के हक और अधिकारों के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है। आप ये बता दें कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की सीबीआई की जाँच, हत्या की सीबीआई जाँच क्यों नहीं हो रही है? आप ये बता दें कि जातिवार जनगणना के आंकड़े आप करवा करके जाहिर क्यों नहीं करें पब्लिक के सामने? आप कितना सर समाज का विकास चाहती हैं? हमारे साथ मौजूद थे सिराथू विधानसभा से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्होंने मुख्य मुद्दे रखे हैं। उनका कहना है कि जो अमित शाह है वो गृहमंत्री, उनसे ये सवाल किया जाए कि आखिरकार डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो हत्या हुई है उसमें जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। दूसरा उनका कहना है कि जातिगण जो जनगणना है उसका आखिरकार जो मैप है उसको क्यों नहीं तैयार किया गया, आखिरकार उसके आंकड़े क्यों नहीं दिखाए जा रहे। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ आशुतोष, इंडिया वॉइस।